Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक बड़ी पतंग बनाने वाले हैं. और काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मेरे को ये फरमाइश भेजी थी कि अंकल एक बड़ी पतंग बना करके दिखाओ. तो फ्रेंड्स, उसको बनाने के लिए हमने ब्लैक पेपर लिए और इस पेपर के अंदर काफ़ी सारे जोड़ हैं, आप देख सकते हैं. ये सारे जॉइंट्स लगा करके इस पेपर को बनाया गया. ये सारे जॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, इधर भी जॉइंट है और यहाँ पे भी जॉइंट है. तो मेरे पास साबुत पेपर था नहीं, लेकिन मेरे पास टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे, उन्हीं को ही जोड़ करके मैंने ये बड़ा पेपर बनाया. तो फ्रेंड्स, अब जो ये हम पतंग बनाएंगे, ये लंबी काट की पतंग बनाएंगे और बड़ी अजीब ही शेप होगा इसका. इस तरह की पतंग मैं 14 अगस्त को बना करके उड़ा के लड़ा के देख चुका हूँ. और 14 अगस्त वाले दिन जो हमने पतंग बनाया था, उससे तो मैंने 6-7 पेच काट दिए थे. लेकिन फिर अगले दिन 15 अगस्त वाले दिन जब हमने उस पतंग को उड़ाया और पहले ही पेच में फ्रेंड्स वो कट गई थी, तो क्योंकि वो 15 अगस्त में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, तो पतंग लड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है. उस दिन पतंग आसानी से नहीं लड़ा सकते, आप ज़्यादा पेच वेच नहीं काट सकते. तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या किया है मैंने, ये देखिए, एक छोटी पतंग ली है, 2.5 की पतंग ली है. और 2.5 की पतंग का जो है, मैं आपको बता दूँ इसका लंबाई और चौड़ाई, जो मैं आपको बता दूँ, ये है आपका 22 इंची बाई 19 इंच का जो है इसका ये है. तो फ्रेंड्स, मैं हम लोग इस पतंग का ही जो है फरमा यूज़ करेंगे इस बड़ी पतंग को बनाने के लिए. ये बड़ा ही अजीब शेप होगा फ्रेंड्स, इस तरह की पतंग मैंने कभी बनाई नहीं है. और जो एक बनाई थी वो भी ऑड शेप था फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा ऑड शेप है. तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पेन से इस तरह से निशान लगा लेंगे. ये देखिए, मैं निशान लगा रहा हूँ, ये निशान लगा लूँगा और बड़ा ही इसका अजीब सा शेप आएगा फ्रेंड्स. काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बोला कि अंकल एक लंबे काट की पतंग बना करके दिखाओ, क्योंकि लंबे काट की पतंग जो है पंजाब में और वेस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा उड़ता है फ्रेंड्स. ये देखिए, ये मैंने इसका तो जो ये नाप ले लिया, और नाप लेने के बाद जो है अब इसका जो हम ठड्डा लगाएंगे, ठड्डा बहुत बड़ा है फ्रेंड्स. कमान छोटा और ठड्डा बड़ा, यानी कमान जो है 2.5 के साइज़ का है और ठड्डा जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा ठड्डा. ओ माय गॉड, इतना बड़ा ठड्डा है फ्रेंड्स इसका, यानी कमान इतनी छोटी और ठड्डा इतना बड़ा. बड़ा ही अजीब हिसाब किताब रहेगा फ्रेंड्स इस पतंग का. तो अभी क्या है कि ठड्डे के लिए हमारे को इधर से स्केल से निशान लगाना पड़ेगा. बिल्कुल ये इस तरह से आ रहा है. और ये देखिए, ये हमने ये निशान लगाया और उधर से भी निशान हमको लगाना पड़ेगा, उधर से निशान इस तरफ से लगेगा. तो फ्रेंड्स, इसका बड़ा ही अजीब सा शेप निकलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं. और इधर से इस तरह से निशान लगाएंगे फ्रेंड्स. अब इसकी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ. तो फ्रेंड्स, अब इसकी कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कर ली गई है और कटिंग करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ऐसा शेप निकला है इसका, बिल्कुल बड़ा ही अजीब सा शेप निकला है. तो आप इधर से भी देखिए, और इसमें कई सारे जोड़ हैं पेपर के अंदर, क्योंकि हमारे पास सिंगल पेपर इतना बड़ा था नहीं. तो फ्रेंड्स, जो इसका जो ठड्डे का साइज़ है, ठड्डे का साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा ठड्डा लगाया जा रहा है फ्रेंड्स इसके अंदर. और पता नहीं पतंग उड़ेगी तो कैसे उड़ेगी. और इसके ठड्डे का साइज़ मैं आपको बता दूँ, इसका ठड्डे का साइज़ है 25 इंच फ्रेंड्स. इसका ठड्डे का साइज़ है 31.5 इंच है, तो बहुत बड़ा ठड्डा है इसका. जबकि जो हमारे छोटे पतंग का ठड्डे का साइज़ होता है, ये 19 इंच का होता है फ्रेंड्स. 20 इंच तकरीबन, आप 20 इंच मान लीजिए, 19.5 इंच का होता है. और इधर भी फ्रेंड्स, तो क्या है कि इस पतंग का जो ये देखिए आप, कमान जो सेट होगा इसका, कमान होगा सेट यहाँ पे, इस तरह से कमान सेट होगा. आप देख सकते हैं इसका कमान इस तरह से सेट होगा, यानी कमान छोटा लगेगा और ठड्डा इतना बड़ा ठड्डा पता नहीं कैसे होगा. तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक डिज़ाइन काट के भी आपको दिखाते हैं. तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोग एक डिज़ाइन बनाने लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिंपल ब्लैक कलर का पतंग बना देंगे तो इतना अच्छा लगेगा नहीं, इसके अंदर डिज़ाइन वर्क का भी होना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए हम लोग इसके अंदर सोच रहे हैं कि एक डिज़ाइन बनाया जाए. तो डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग जो है कटिंग करेंगे.
और ये देखिए ये कटिंग कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा डिजाइन बना देते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। और यहाँ से थोड़ा सा जो है इस तरह से जो है कटिंग कर देंगे हम इसकी फ्रेंड्स। ये एक हमने इस तरह से कटिंग कर दिया है और ये देखिए इसका यहाँ से निकल आया है। और एक डिज़ाइन जो है हम यहाँ पे भी निकालेंगे, तो यहाँ का जो डिज़ाइन है वो अलग सा रहेगा। तो उसके लिए क्या है, हमको थोड़ा सा एक फर्मा काटना पड़ेगा। और फर्मा काटने के लिए क्या है कि कोई भी गोला चीज़ ले लीजिएगा, कोई कटोरी वगैरह ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए गोला, और उसमें पेन से आप निशान लगा लीजिए जैसे मैं इसमें लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स आज भी बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और हेलीकॉप्टर उड़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारी हेलीकॉप्टर आ रहे होंगे, झुंड के झुंड हेलीकॉप्टर उड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पे। बहुत बड़े तादाद में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपने गोला काटना है, जैसे ये मैं काट रहा हूँ गोला, और इसको मैंने जो है एकदम अब सर्कल काट लिया है। सर्कल काटने के बाद क्या करना है, इस पेपर के अंदर आपको कटिंग करनी है। कैसे कटिंग करनी है ये देखिए, पेपर को आप इस तरह से घुसा देंगे और एक ही बार में दोनों कट जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से काट रहा हूँ। बिल्कुल एकदम सिंपल वे में आपको जो है इसकी कटिंग करना और इस डिज़ाइन को बनाना सिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स जब आप काटेंगे तो इस तरह से कटिंग हो जाएगी। तो पतंग का शेप इस तरह से इसमें इसके अंदर जो है हमको डिज़ाइन काट करके लगाना है। तो अभी मैं आपको इसका डिज़ाइन काट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो आपने ये काटा था इसी से ही जो है आप कागज़ काट लेंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा काटना है आपने, तो इसको बड़ा किस तरह से काटना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पेपर को आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके जो है आप इसमें कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। इसको हम लोग इसके ऊपर रख करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी कटिंग कैसे की जाती है वो भी आप देख लीजिए। इसको इसके ऊपर रख करके थोड़ा सा बड़ा काटेंगे, इसको भी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जो है थोड़ा सा बड़ा कटेगा, जितना बड़ा आपने खांचा उसमें से पतंग में से काटा है उससे थोड़ा सा ये बड़ा कटेगा। और आप देख सकते हैं कि ये मैं थोड़ा सा बड़ा काट रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है पिंक वाला कागज़ ब्लैक वाले कागज़ से थोड़ा सा बड़ा कटा है, यानी पिंक वाले कागज़ को हम यहाँ पे चिपका देंगे। और ये देखिए इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे फेविकॉल से, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है और ये बहुत ईजिली बहुत बढ़िया तरीके से ये चिपक जाएगा। अभी आप लोगों को चिपका करके दिखाऊँगा। और उसके अलावा जो है जो अब यहाँ पर जो ये हमने इससे काटा था इसको भी हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा काटना पड़ेगा इस ब्लैक वाले पेपर को, और इसमें भी हम लोग ये पिंक कागज़ ही लगा देते हैं और एक बार में ही दो काट लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार में दो काटने के लिए पेपर को हम लोग इस तरह से ले लेंगे, और लेने के बाद जो है इसको हम अगेन इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो ये ब्लैक वाला पेपर काटा था इससे थोड़ा सा हम लोगों को बड़ा काटना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग जो है इसको इसमें फंसा देंगे, और फंसाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग करके अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग, ये भी देखिएगा फ्रेंड थोड़ा सा बड़ा इसमें काटना पड़ेगा हमारे को। ये देखिए मैं बड़ा काट रहा हूँ सर्कल को, ये देखिए फ्रेंड ये हमने काट दिया और इससे बड़ा काटा, और इसको अब 1/2 कर देंगे। और ये देखिए इसको 1/2 कर दिया जाएगा, और ये लग जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे लग जाएगा और ये इधर लग जाएगा, ये यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा, और बाकी जो आपका हिस्सा रहेगा वो यहाँ पे ये लग जाएगा। तो ये इसका पतंग का जो है एक प्रॉपर डिज़ाइन आपको जो हमने समझाना था वो समझा दिया। अब इसको हम लोग जोड़ करके आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए इसका ये डिज़ाइन तैयार हो गया, बिल्कुल ये ऐसे दिखेगा। अगर ब्लैक वाले पेपर में जोड़ नहीं होता, जॉइंट्स नहीं होते, तो ये पतंग बहुत साफ नीट एंड क्लीन बनता। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी बन रहा वो ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके अंदर हमारे को इस तरह के यहाँ पे टिकली लगाने पड़ेंगे, तो वो टिकली लगा कर भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो है इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से फिक्स करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे फिक्स होगा और एक यहाँ पे फिक्स होगा, यहाँ पे फिक्स होगा, फिर इसके बाद दो और बगल में फिक्स होंगे। इस तरह से जो है इसको हम लोग जोड़ करके और इसमें ये हम लोग जो है इसको बना करके भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसको बिल्कुल हम लोग सीधा सीधा बैठाएंगे और बिल्कुल एकदम जोड़ के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स इसको बैठा दिया गया है और इसको थोड़ी देर ऐसे हम छोड़ देंगे, ये सूख जाएगा अभी। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है ठड्डे को लगा चुके हैं। ठड्डे को लगाने के बाद जो अब इसका कमान लगाया जाएगा और कमान को तैयार किया जा रहा है अब। तो फ्रेंड्स कमान लगेगा इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल एकदम ऐसे करके इसको रखेंगे और रखने के बाद जो है इसको हम लोग इसके ऊपर चढ़ा करके ये एक तरफ का लग गया फ्रेंड्स। थोड़ी देर 2-3 मिनट तक का जो है इसको ऐसे करके पकड़ के रखना पड़ेगा, फिर ये सूख जाता है। फिर इसको रिवर्स ला करके इस तरफ जोड़ेंगे, तो हम लोग इस तरफ अब ले करके आ रहे हैं इसको और इसको यहाँ पे ला करके फ्रेंड्स ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पे भी फेविकॉल लगाना पड़ेगा और ये लिया मैंने फेविकॉल और फेविकॉल लगाया इसके ऊपर, थोड़ा ज़्यादा फेविकॉल लग गया। ये देखिए फ्रेंड्स ये इसको हमने इसके ऊपर चिपका दिया और ये थोड़ी देर पकड़ करके रखेंगे, ये जुड़ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स अब आपको जो है काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, ये पतंग इस तरह से बनेगा। और इधर से देखिए अगर इस ब्लैक वाले पेपर में अगर जॉइंट्स नहीं होता तो ये पतंग बहुत नीट एंड क्लीन बनता, जैसा मार्केट का है वैसा ही बनता तकरीबन। फ्रेंड्स ये देखिए जो मेरे हाथ में ब्लैक कलर का है, ये साइड का टिकली है और ये 4 इंच के दूरी पे लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा देता हूँ। ये मैंने 4 इंच पे निशान लगा दिया और ठीक उधर भी 4 इंच पे निशान लगा करके लगा दूंगा। तो पहले इधर का लगा देता हूँ, बाद में उधर का लगाऊंगा। और ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसको इसके ऊपर रखा और रखने के बाद जो है इसको इस तरह से हम घुमा देंगे। ये देखिए इसको घुमा दिया और ये जुड़ गया। और ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स हम इधर का भी जोड़ेंगे और लगा करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग इधर 4 इंच पे लगाएंगे, तो 4 इंच पे इधर निशान लगा दिया, ये 4 इंच यहाँ पे आ रहा है और इस पे भी हम लोगों को फेविकॉल से लगा करके जोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि ये देखिए फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ये ठीक 4 इंच आ रहा है यहाँ पे। और ये देखिए इधर का भी लग गया, उधर का भी लग गया, ये पतंग बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। अब ये माथे की टिकली लगानी है, माथे की टिकली भी लगा के दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स अब जो है इस जगह की माथे की टिकली लगेगी, माथे की टिकली ऐसे लगेगी और इसको मैं थोड़ा सा डिजाइनदार बना देता हूँ। तो इसके खांचा वगैरह काट करके और इसको अभी डिजाइन निकाल करके आपको दिखाता हूँ। और ये खांचेदार जो है ये देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे लगाया जाएगा और फ्रेंड्स इसमें हम टेप लगाने लग रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं इस तरह से टेप लगाता हूँ, मैं धागा नहीं लगाता, धागे की जगह टेप लगा देता हूँ। ये टेप जो है चारों तरफ लगेगा, जो काम धागा करता वही काम, उससे बेटर काम ही करेगा ये टेप, क्योंकि हम लोगों को पतंग में बाद में भी टेप लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। और ये जो हमने टेप लगा दिया ये पूरा धागे का काम करेगा। और मैं अपनी पतंग में जो है धागे की जगह टेप लगाता हूँ, तो फ्रेंड्स ये एक तरफ लगा दिया और ठीक इसी तरह से जो है ये इस तरफ भी लगेगा, यहाँ पे टेप लग गया। और अब मैं इस तरफ का भी टेप लगाऊंगा और ये देखिए इस तरफ का भी टेप मैंने ये लिया तो और ये दिया लगा। तो फ्रेंड्स
मेरे को ये ज़्यादा इजी भी लगता है और ज़्यादा मजबूत भी लगता है। और इस टेप को लगाने के बाद क्या होता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को ये रहता है कि मैं इस पतंग को हाथ के हाथ उड़ा देता हूँ। मतलब अगर आज ही लड़ाना होगा तो मैं इसको आज ही लड़ा दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो तरफ का तो टेप ये लगा दिया, अब तीसरी तरफ का टेप जो है हमको इस तरफ से पलट करके लगाना पड़ता है, तो तीसरी तरफ का टेप यहाँ से लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी तरफ का टेप जो है मैं ये इस तरह से लगाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पतंग इससे भारी हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, इससे पतंग भारी नहीं होगा, पतंग आपका बिल्कुल ठीक ठाक उड़ेगा। और जो एडिशनल टेप होगा उसको काट दिया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चारों तरफ से टेप लग गया और मेरा पतंग जो है बिल्कुल एकदम 100% प्रोटेक्टेड है। और इसको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसको जो है एक इसका जो आखिरी काम है पूंछ लगाने का, वो लगा करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इस तरह से एक पेपर लिया है, ये पेपर है 8 इंच बाई 6 इंच का। तो इसको यहाँ से बीच में से फोल्ड करेंगे, इससे हम लोग पूंछ बनाने लग रहे हैं। और ये गुच्छेदार पूंछ बनाएंगे क्योंकि इस पतंग के ऊपर फ्रेंड्स गुच्छेदारी पूंछ अच्छा लगता है, क्योंकि ये लंबे काट की पतंग है, तो इसलिए इसमें गुच्छेदार पूंछ लगाएंगे। और गुच्छेदार पूंछ लगाने के लिए आपको इस तरह से झालर काटना पड़ेगा। ये देखिए, ये झालर कट रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके झालरदार पूंछ की कटिंग हो गई। अब इसको क्या है, इस तरह से ट्विस्ट करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, मैं कर रहा हूँ इसको ट्विस्ट, इसको इस तरह से ट्विस्ट करके जो है हम लोग इसका पूंछ तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पूंछ तैयार हो गया। ये देखिए, ये इसका पूंछ इस तरह से बना है। और इस पर हम लोग क्या है, थोड़ा सा सद्दी लेकर के लपेट देते हैं। ये देखिए, ऐसे करके लपेट देंगे और इसमें एक गीट बांध देंगे फ्रेंड्स। और बाकी का जो है पूंछ को हम लोग, चाहे आप धागे से लगा दीजिए, चाहे आप कागज़ से लगा दीजिए, टेप से लगा दीजिए, कैसे मर्जी लगा दीजिए। अभी इसको फ्रेंड्स मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये फाइनल टच है इसका। और ये लगेगा इसके यहाँ पे। ये बहुत छोटी सी आइटम है लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कन्ना बांधने में। जब अगर आप इस पेपर को नहीं लगाएंगे तो आपका पतंग का कन्ना बार बार टूटेगा, लेकिन जैसे ही आप इस पेपर को लगा देते हैं तो आपका पतंग का कन्ना नहीं टूटता, क्योंकि यहाँ पे जो है कमान की जो धार होती है वो नहीं लगती। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग उड़ा करके देखेंगे, तो चलिए इसको उड़ा करके देखा जाए। और इसको उड़ाने के लिए ऊपर वाले छत पे जाना पड़ेगा, हवा का डायरेक्शन इधर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, इसका कन्ना भी बांध दिया हमने और अभी इसकी ट्रायल होनी बाकी है, तो अभी इसकी ट्रायल करते हैं। मेरे को तो लग रहा है ठीक ठाक उड़ जाएगा, हमने तो ठीक बैलेंस से बनाया है, बाकी आगे चल करके देखते हैं। तो चलिए ऊपर वाले छत पे चलते हैं, वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग छत पे पतंग को लेकर के आगे इसको उड़ा करके देखते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो ये टेप लगाया है, ये टेप चारों तरफ जो लगाया मैंने आपको लगा करके दिखाया, इसीलिए लगाया ताकि ताजी पतंगों की भी अगर खींच के उड़ाना पड़े, लड़ाना पड़े तो दिखा सके हम आपको। तो चलिए इसको उड़ाते हैं फटाफट। ओए यार, ये तो बड़ा ही मस्त है, बहुत क्विक उड़ती है। फटाफट पहुंच गया यार, जबकि हवा की स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 6-7 किलोमीटर के बीच में स्पीड है फ्रेंड्स आज, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा उड़ गया। वाह क्या बात है, बड़ा जल्दी पहुंच गया आगे। चक्कर दोनों सही है, खींचने में भी अच्छा है, गद्दा मारने में भी अच्छा है, खींचने में भी अच्छा है और गद्दा मारने में भी अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बन गया पतंग। अब वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ा सा इसको 150-200 मीटर आगे ले जा करके अब ट्राई करके देखता हूँ। सुपर यार, बहुत बढ़िया है, ये पौने की पतंग को काट देगा फ्रेंड्स, चक्कर भी अच्छी ले रही है। एकदम स्ट्रेट है फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम देखिए ताज़ा पतंग है, बहुत ही मस्त उड़ रहा है फ्रेंड्स। एक गद्दा मारता हूँ, टेपर गद्दा।
मतलब भी बहुत अच्छा है। जब अच्छा है फ्रेंड्स इसका, यानी हर तरह से लड़ने को ये बहुत बढ़िया रहेगा। इसके एक दो चक्कर चेक कर लेता हूँ, चक्कर बड़े हैं थोड़े से क्योंकि फ्रेंड्स इसकी पतंग की लंबाई ज़्यादा है, इस करके चक्कर बड़े हैं। अब एकदम फुल हैंड खींचता हूँ इसको फ्रेंड्स, बिल्कुल ताज़ा पतंग है, जब तक देखना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने टेप लगाने का फ्रेंड्स फायदा ही है। दीजिए मैं अपने सर के पीछे ले आया पतंग को, ठीक है फ्रेंड्स। पतंग बहुत ही मस्त है, मजा आएगा इससे पेड़ चढ़ा करके। 15 अगस्त वाले दिन मैं बहुत सारी ऐसी पतंग बनाऊंगा। चलिए इसको अब उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी मस्त पतंग है, इसका सिर्फ ब्लैक वाला पेपर कई सारे जॉइंट्स में बना हुआ है। अगर ये जॉइंट्स में नहीं बनता तो पतंग और भी अच्छा बनता। और आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आइए फटाफट और आकर के बताइए कि पतंग कैसा आपको लगा। और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट परफॉर्मेंस कोर्स। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।